देखो भगवत गीता के 18वें अध्याय में क्या स्तुति आई है, बड़ी सुंदर स्तुति बाद में आएगी। पहले देखिए किस प्रकार कहा है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो गीता का गुह्यतम ज्ञान है, ये जो अतिश्रेष्ठ ज्ञान है, ये किसको देना चाहिए। अर्थात मुख्य अधिकारिता बताई पहले, समझना मुख्य अधिकारिता शब्द प्रयोग किया है हमने। इसका मुख्य अधिकारी कौन है, अर्थात उसको कौन प्राप्त कर सकता है, किसको ये पूरा पच सकता है और किसको इसे देना चाहिए, ये मुख्य अधिकारिता को लेके बात आई। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्युसूयति योभ्युसूयति। इदम से, इदम ते मतलब ये जो ज्ञान है, ये गुह्यतम ज्ञान जो है, न तपस्काय जिसकी तपस्या ना हो उसको मत देना, न भक्ताय जो भक्त ना हो उसको मत देना, और जो सुनने की इच्छा न रखता हो, ना शुश्रूषवे या सेवा की ना करता हो, क्योंकि शुश्रूषवे शब्द में सेवा और सुनने दोनों के अर्थ होते हैं। वाच्यम न च माम यो अभ्य सूयति, उनको तुम ये मत कहना। ये भगवान ने 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये जो गुह्यतम है, इदम मतलब ये जो गुह्यतम वचन है, ये तुम अतपस्वी को, जो तपस्वी मत हो, अभक्त हो और जो सुनना नहीं चाहता, और मेरे में जो दोष दृष्टि रखता हो, जो मुझे अभी नहीं समझता हो, असूयता हो जिसके अंदर, तो ये जो है, जिसके अंदर जो है द्वेष दृष्टि हो, असूयता है मतलब द्वेष दृष्टि हो, जिसके अंदर मेरी बात को ठीक से ना समझता हो, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान तुम्हें देना नहीं है। ये बात उन्होंने 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में स्पष्ट कर दी कि भाई ये जो ज्ञान है ये केवल उनको देना है। इनका उल्टा कर दो, अब किसको, जो तपस्वी हो, अतपस्वी बोला ना, तो जो तपस्वी हो उसको देना, अभक्त से अलग यानी भक्त को देना, और जो सुनना नहीं चाहता का उल्टा मतलब जो सुनना चाहता है उसको देना, और जो मेरे प्रति दोष दृष्टि न रखता हो, अर्थात मुझे भगवान ही ना समझता हो या मुझे यही ना समझता हो कि मेरा गीता शास्त्र कल्याण करेगा, उसको मत देना। तो किसको देना, जो मेरे प्रति ये रखता हो कि इनसे कल्याण होगा और ये मेरे कल्याण करेंगे, उनके वचन में जो है मेरा कल्याण छिपा है उसको देना। ये यहाँ पर मुख्य अधिकारिता की बात उन्होंने कर दी 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में। अब 68वें श्लोक में चलते हैं, 18वें अध्याय के, ये क्या कह रहे हैं, या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वे दास्यति। ये फिर देखो वो बात जो पहले क्रम में बोली वो बात यहाँ आ गई कि किसको दें, तो बोले जो मेरे में पराभक्ति करता हो और इसी को ये परम गोपनीय देना, मतलब जो चीज़ वहाँ निषेध में कही थी उसका उल्टा करके कि देना किसको, वो बात यहाँ कह दी। मतलब वो जो बात हम अभी बता चुके वही बात यहाँ आ गई, किसको नहीं देना वो 67वें में कह दिया और किसको देना वो 68वें में कह दिया। अब यहाँ गजब की बात क्या आएगी, वो जो हम बताना चाह रहे, 69वें श्लोक में 18वें अध्याय के 69वां श्लोक क्या कह रहा है, न च तस्मान मनुष्यतु कश्चित कश्चिन में प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। मतलब न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि न च तस्मान् मनुष्येषु, मतलब वो जो मनुष्य है, कैसा मनुष्य है, न च तस्मान् मनुष्येषु, वो जो क्या करता है, जो कि यहाँ ये ज्ञान देता है, इस ज्ञान का प्रचार करता है, और इस गीता ज्ञान के संप्रदाय को चलाता है, इसको आगे बढ़ाता है, भगवत गीता इसमें ये राम सुखदास जी तो यहाँ तक कर देते हैं, वो संस्था के हिसाब से कि भाई गीता को लोगों को बांटो, गीता का दान करो, भगवत गीता लोगों के वो लाओ, लेकिन वो बांटने वाटने की बात भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो संप्रदाय चलाना ही है। भगवान कहना चाह रहे जो इस ज्ञान को देता है, अर्थात वो जो आचार्य हैं, वो जो गीता का प्रचार कर रहे हैं, वो सब जो है बोले मेरे अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय है। देखो कितनी स्पष्ट बात है, प्रियतर मेरे मेरे को बहुत प्रिय है और उसके समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, जो ये गीता का ज्ञान दे रहा है या गीता का ज्ञान बता रहा है लोगों को, ये स्पष्ट कह दिया भगवान ने यहाँ पर। अब देखो इसमें फिर विषय होते हैं कि कई बार ये गीता का ज्ञान किसको देना किसको नहीं देना वो पहले कह दिया और फिर यहाँ कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान देना है, प्रचार होना है। तो इसके जो टीकाएं हैं इसी श्लोक पर, जो टीकाएं हैं शंकर भाष्य के बाद टीका है, अब वो टीका में कई सारी टीका हैं, उन टीकाओं में एक टीका जो नीलकंठी टीका है, नीलकंठी टीका में इस श्लोक पर विचार जो आया उसमें एक पंक्ति बहुत सुंदर आई। वो कहते हैं कि भाई जो द्वेष रखता हो,
या जो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता हो, उसको आपने ऐसे कैसे कह दिया कि उसको ज्ञान देना? आप कोई भी संप्रदाय चलाने के लिए अर्थात गीता बांट रहा है और कोई गीता लेना ही नहीं चाहता, कोई गीता का ज्ञान किसी को दे रहा है ज़बरदस्ती, वो तो उबासी ले रहा है, बोर हो रहा है, अरे मुझे गीता का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ये ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, वो तो बोर हो रहा है, उसे चाहिए ही नहीं। बोले ऐसे ऐसे जो वो जो आपने पहले कहा 68वें में कि अतपस्वी हो उसको नहीं देना हो, तो बोले वो तो मुख्य अधिकारी के लिए बात कही, लेकिन यदि कोई मुख्य अधिकारी नहीं है तो उसको मुख्य अधिकारी भी तो बनाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो बीज तो डालो उसके अंदर, मुख्य अधिकारिता भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो ज्ञान तो आप सबको दो, सबको दो, सबको दो, ज़बरदस्ती दो, भले वो ज्ञान का आपके अनादर भी कर रहा है फिर भी दो, उसके अंदर बीज डालने की कोशिश करो, कभी ना कभी वो बीज काम करेगा। इसका प्रमाण इन्होंने नीलकंठी में एक पंक्ति से दिया, बहुत प्यारी पंक्ति है ये, रटने जैसी पंक्ति है, दिमाग में रखने जैसी पंक्ति है। अनिच्छायापि अनिच्छायापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावका, अनिच्छायापि अनिच्छयापि अनिच्छया ऐसे अनिच्छयापि ऐसे हो गया ना, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावका, आपकी इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के भी यदि, और आप ये कहने लगो कि मेरी इच्छा नहीं है कुछ है, या किसी की इच्छा भी नहीं है, या उसकी इच्छा है कि वो ये कि मैं तो जो अग्नि तो अपना काम वही करेगी जो अग्नि को करना है, आपकी इच्छा ना होने से अग्नि ठंडी नहीं हो जाएगी, अग्नि तो दाहक गुण ही रखती है, वो गर्म ही है आपको, आप हाथ लगाओगे या कुछ, तो आप इच्छा करो या इच्छा ना करो, उसका स्वभाव ही है गर्म होना। हाँ, उष्ण तेजवत होता है ना, उष्ण तेज इसका तो उष्ण तेज स्पर्श, उष्ण तेज उष्ण स्पर्शवत है ना, तेज उष्ण स्पर्शवत है तेज, यानी वो तो गर्म ही करेगा आपको, उसका स्वभाव ही है। इसी तरह ये जो ज्ञान है, यदि आपने ये दिया किसी को तो इसका स्वभाव ही है कल्याण करना, ये कल्याण करेगा ही, ये उसके अंदर बीज पड़ ही जाएगा, चाहे वो अनिच्छा से ही इसको प्राप्त कर रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, अनिच्छा से अग्नि को हाथ लगाओगे तो भी अग्नि आपके अंदर जो दाहक गुण है वही है, वो आपको जो है जलाएगी ही, वो आपको ताप ही देगी। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये आप इच्छा से लोगे तो बहुत ही अच्छा है, अधिकारिता आपकी विकसित है, जल्दी हो जाएगा, अनिच्छा से प्राप्त करोगे तो परम्परया इसको, अब क्या होता है कि गुरुजन कहते हैं ना कि बारिश होती है, दूसरे प्रसंग से बता रहे हैं, संस्कृत का नीलकंठी का जो प्रसंग है उसी की व्याख्या के लिए दूसरी बात बता रहे हैं। ये जो नीलकंठी में इन्होंने पंक्ति ली, नीलकंठ व्याख्या में, चतुर्धरी नीलकंठी में, अनिच्छायापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, अग्नि का स्वभाव चाहे इच्छा से ग्रहण करो अनिच्छा से ग्रहण करो, वो गर्म करने का ही है, आपको ताप देने का ही है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, ये आपका मल धोगा ही, आपके मल विक्षेप आवरण पर ये अपना काम करेगा ही, आपका मल दूर करेगा, आपका विक्षेप कम करेगा और आवरण भंग भी कर देगा। ये है कि यदि आपके अंदर मुख्य अधिकारिता हो 68वें श्लोक वाली, यदि आपके अंदर वो मुख्य अधिकारिता है, 66 जो 67वें श्लोक में आई, यदि वो है आपके अंदर अधिकारिता तो तुरंत काम बनेगा, और यदि आपके अंदर वो अधिकारिता नहीं है तो परम्परया तो ये काम करेगा ही ना, जो 67वें श्लोक में कही वो अधिकारिता सबके अंदर तो नहीं हो सकती ना, कोई जरूरी नहीं सब तपस्वी हों, जरूरी नहीं सबका भक्ति भाव हो उतना, जरूरी नहीं सब सेवा करने वाले या ध्यान से सुनने वाले हों, तो भी क्या है, आपने वो जबरदस्ती सुन लिया, किसी न किसी ने भी अरे चलो बैठ जाते हैं, चलो सुन लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं महाराज, देखते हैं क्या हो रहा है, चलो सुन लेते हैं, इतने दिन से कह रहे हैं इनकी बात सुन भी लेते हैं, अनिच्छा भी आपने अनिच्छा से सुना तो भी वो अपना काम तो करेगा ही। जिस प्रकार बारिश होती है, और बारिश होने से यदि अधिक वही बारिश की बूंद अलग अलग स्थान पे पड़कर अलग अलग रंग दिखाती है, खेत में पड़ जाती है तो उसमें बीज को अच्छे से उगाने की क्षमता पैदा हो जाती है, वो उसको हरा भरा कर देती है, फसल में हरा भरा कर देती है, समुद्र में पड़ती है तो फिर वही बारिश जो है आगे की बारिश का काम करती है, समुद्र को और लाभ देती है, और लाभ मतलब आगे वही बारिश फिर उठ के आएगी, सीपी वो सब जो अलग अलग जगह पे पड़ती है, कहीं मोती बन जाती है ना, बारिश की बूंद मुँह में पड़ती है, और एक वो जातक वो होता है उसके में पड़ती है, वो तो वेट ही बारिश की करता है, और जो बारिश की जो बूंद है यदि वो सड़क पे भी पड़ती है तो सड़क पे पड़ने से भी वो बारिश की बूंद जो है वो उसके दाग तो धो ही देती है, सड़क पर जो दाग होते हैं वो उसको धो ही देती है। तो इस प्रकार जो है वो बारिश की बूंद अलग अलग जगह पर
अलग अलग कार्य कर देती है, इसीलिए उसका कार्य होगा ही। तो ये बड़ी अच्छी पंक्ति है, अनिच्छायापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावका। तो उस पर ध्यान दे लेना। ओम।